तो मैं हूं आपका शॉल्डर नहीं वीडियो लेके आपके सामने फिर से हाजिर हूं। आज की जो हमारी वीडियो है जैसे कि आप लोगों को पता है कि भाई रोडियो के ऊपर काम चल रहा था और रोडियो के ऊपर स्पेशली अलग अलग मैंने मॉडिफिकेशन के लिए ही वो स्कूटी जो है वो परचेस करी थी। तो बात कर लेते हैं कि अब इसके अंदर कर क्या रहे। तो देखो यार, इस बार हम लोग क्या करें, इसके अंदर लगवा रहे साइड स्टैंड का बजर, ताकि हमारी स्कूटी में जब भी साइड स्टैंड लगा होगा तो मीटर के ऊपर लाइट एक आ जाएगी, जो कि इसके अंदर पहले से था वो सेंसर नहीं मिलते हैं। तो यार इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस बार मैंने एक छोटा सा एक सेंसर बनाया, तो आप लोग करो जाके वीडियो कंजो कि कैसे कैसे होगा सारा का। तो अभी इसको फाइनल इसका वो कर रहे हैं, ठीक है, अच्छे तरीके से रिपेयर कर रहे हैं ताकि ये क्या है आगे जाके इशू ना करे, ठीक है, ये काम इसमें कर रहे हैं। और इसके ऊपर देखते हैं अभी हो सके तो बजर भी लगवाएंगे ताकि साइड स्टैंड में क्या लाइट के अलावा बजर भी इसका चले। तो देखते हैं कैसे कैसे सारा काम, देखो किस तरीके से हो रहा है, ठीक है। इसके अंदर हम बजर फिट करेंगे ताकि खाली सिंगल, मतलब जब ये लगेगा तो बजर बजेगा कि हाँ भाई पी 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 पी, यानी स्टैंड नीचे है। इंडिकेटर से अच्छा ये भी है, वैसे आप लोगों को पता है रोडियो में ये चीज़ पहले से इनबिल्ड आती है ताकि चारों इंडिकेटर, लेकिन मैंने चारों इंडिकेटर वाला अपना लगा रखा है, इसकी वजह से मेरे को बजर पसंद नहीं है, इसलिए मैंने ये चीज़ अलग से लगवा रहा हूँ। तो देखो कैसे कैसे सारी चीज़ें लगेंगी। और भाई का चैनल जैसे आप लोगों को पता है इमरान भाई से हम सारा काम कराते, तो इमरान भाई कर रहे हैं इसका काम। तो अब दिखाता हूं तुम लोग को फास्ट फॉरवर्ड में सारी सारी चीज़ें कैसे होंगी। हम कर रहे हैं इसके अंदर, देखो मेन चीज़ क्या है, हमने इसके साथ लाइट के साथ साथ बजर भी कर दिया है, ठीक है। पहले तो बजर निकला, तो दोस्तों यहाँ पे सेंसर अपना काम हो गया है, ठीक है। यहाँ पे साइड स्टैंड वाला सेंसर इसका बनाया है, लगा नहीं है, बनाया है, ठीक है। तो अभी दिखाते हैं कैसे कैसे होगा और कैसे कैसे इसमें सारा फिट करना है।
फाइनली यहाँ पे हो गया हमारा काम पूरा। देखो साइड स्टैंड का इसका लग गया है। इमरान भाई जरा लगा के दिखाओ, ये देखना फोकस करना इसमें। ये देखो साइड स्टैंड का आपको दिख रहा होगा इसमें, ठीक है। तो इसमें साइड स्टैंड की जो लाइट है वो जल गई, ठीक है। और करा क्या है, देखो सेंसर वेंसर कुछ नहीं खरीदा है, किस तरीके से इसमें बनाया है, ठीक है। इसमें क्या है, तुम्हें ये अलग एक स्विच लेना पड़ेगा और ये एक बोल्ट आपको लगाना पड़ेगा ताकि ये इसके अंदर कनेक्ट हो जाए, ठीक है। और मेन चीज़ क्या, हमने इसके अंदर स्प्रिंग लगाई है ताकि इसमें क्या, ये नट वाइब्रेट ना करे, गाड़ी चलेगी तो वाइब्रेट ना करे, ठीक है। और है? अच्छा, और जिप टाइल हमने इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा लगाई है, ठीक है। जिप टाइल इसमें अच्छे तरीके से लगाई है। अब इसमें क्या है, अब यहाँ से इसमें एमसील लगा के इसको अच्छे तरीके से भर देंगे ताकि इशू, ताकि इसके अंदर इशू ना आए। देखो जिस तरीके से आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है, ये है सारा काम। और भाई इसी तरीके से होगा, और ये आप किसी भी गाड़ी में कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है इसी में हो, किसी में भी कर दो, एक्टिवा में कर दो, किसी में कर दो। वैसे आज से ज़्यादा आज के टाइम पे ये चीज़ें हर गाड़ी में आ रही है, ऑलमोस्ट सब में ही आ रही है। बाइक में आप लोग ये चीज़ कर सकते हो, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना है इस चीज़ का। और इसमें क्या, आपको हॉट ग्लू या कुछ ना कुछ लगा देनी है, वो नहीं लगाओगे तो पानी जाएगा और फिर ऐसे ऐसे कर देगा वो तुम्हारी पूरी गाड़ी की। तो इसमें क्या, या तो हॉट ग्लू हो गया या हीट गन या एमसील कुछ भी लगा के इसको परमानेंटली फिक्स कर सकते हो आप लोग। तो यही था, और जैसे तुम लोगों को पता है भाई यही दुकान है। और ये रहे अपने भाई साहब इमरान भाई, और ये रहे अपने हरीश भाई साहब, जो कि अभी वायरिंग का काम चल रहा है इसकी, जो वायरिंग प्रॉपरली बदल रही है, ठीक है। तो चलो अब करते हैं इस वीडियो को हम यहीं पे एंड। दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने सेंसर की वीडियो को देख लिया होगा, आपने काफ़ी अच्छे तरीके से इन्जॉय कर लिया होगा। देखो होता क्या यार, एक तो आपको सबसे पहले मैं चीज़ बताऊँ, सेंसर मिलना महिंद्रा की गाड़ी के एकदम बेकार है भाई, नहीं मिलने वाले, टेंशन मत लो। उसके लिए सॉल्यूशन जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, पुश एंड पुल वाला स्विच। देखो एक आता है पुश एंड पुल, एक आता है जैसे नॉर्मल स्विच आता है जो हॉर्न की तरह होता है, मतलब अपने आप ही उसके अंदर स्प्रिंग लगी होती है, वो दबाओगे जैसे इस तरीके से दबाओगे तो अपना खुल जाएगा, फिर दबाओगे फिर खुल जाएगा। आपने देखा होगा कि मैंने बोल्ट के पास एक स्प्रिंग लगाई है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि स्प्रिंग क्या होती है, वो उसके अंदर भी स्प्रिंग लगी होती है, स्विच के अंदर भी स्प्रिंग होती है, लेकिन वो क्या, वो इतना सपोर्ट नहीं कर पाती, इतना मतलब भारी भरकर नट बोल्ट को नहीं हिला पाती। तो उसके लिए आपको स्प्रिंग स्पेशली लेनी पड़ेगी, उस स्प्रिंग आपको कौन सी लेनी पड़ेगी, किसी भी बाइक की फ्रंट ब्रेक या रियल ब्रेक, कोई भी ब्रेक ले लेना, उस ब्रेक के अंदर लगी होती है स्प्रिंग, तो उस स्प्रिंग को वहाँ पर कनेक्ट कर देना, आपका काम बन जाएगा बहुत तरीके से, आपका जो बोल्ट है वो अपने आप हो जाएगा पीछे। तो यही कुछ सेंसर्स की वीडियो थी, सेंसर के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया, और कभी कुछ आएगा तो और आप लोगों को मिलती रहेगी ऐसी वीडियो। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, जो करना वो कहीं हमारे खराब हो, क्योंकि हमारे दिमाग में खराब होने में कौन चल रहा है, और लॉक स्टैंड करके उसको भी जाकर जरूर सब्सक्राइब करना। तो ओके बाय।